हेलो, तो मैं आज बताने वाला हूँ कि मर्सॉट क्या है, मर्सॉट कैसे काम करती है और कौन सी टेक्निक है। तो पहले बता दूँ कि मर्सॉट एक रिकर्सिव और डिवाइड एंड कंकर टेक्निक है। मतलब डिवाइड एंड कंकर का मतलब क्या है कि वो एज अ एलिमेंट्स को ब्रेक करेगी, फिर उसके बाद लास्ट में कंकर करेगी। ठीक है, ब्रेक कब तक करेगी, ब्रेक कब तक करेगी, ब्रेक जब तक करेगी कि जब तक उसके लास्ट एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट ना बन जाए। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एग्जांपल। ठीक है, कोई भी एक एरे ले लेते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट एरे का सबसे वर्स्ट वे क्या है कि मैं उसको दो पार्ट्स में मतलब अनऑर्डर्ड ले लूँ। 9 8 7 6 5 4 3 एंड 2। ठीक है, 8 एलिमेंट्स मैंने ले लिए इसमें। अब मुझे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है इसे। इसको मैं एग्जांपल में बताऊंगा कि एक्चुअल में मतलब कैसे ब्रेक करता है वो। अब यहाँ पे 5 4 3 एंड 2। ठीक है, दो एलिमेंट दो एरे में ब्रेक कर दिया। अगेन इसको ब्रेक करेगा ये 9 8 7 एंड 6 5 4 एंड 3 एंड 2। ओके, अगेन इसको भी करेगा 9 8 7 एंड 6 5 4 3 2। ठीक है, ये जब तक ब्रेक करता है कि जब तक लास्ट एलिमेंट जो है वो एज अ सिंगल एरे ना हो। सिंगल एरे का मतलब एक सिंगल एलिमेंट बन जाएगा, और ये जो एलिमेंट है वो एज एन एरे काम करता है लास्ट में। ठीक है, मैं बताऊंगा कि कैसे काम करता है बोला। अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि लेफ्ट और राइट मतलब कौन सा कम है। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट में कौन सा है, 8 और 9 में ना, तो 8 और 9 इस तरह से दो एलिमेंट दो मतलब मर्ज हो गए। जो पहला तो ये सॉर्ट, ये दो फंक्शन काम करते हैं इसमें, काम करते हैं एक तो मर्ज सॉर्ट, ये जो काम है सारा मर्ज सॉर्ट का काम है। हेलो, ये जो दूसरा काम है ये मर्ज फंक्शन का काम है। ठीक है, तो ये 6 एंड 7 दो फंक्शन में मर्ज कर देगा, लास्ट में 4 एंड 5 को मर्ज करेगा, लास्ट में 3 एंड 2 यानी 2 एंड 3 को काम करेगा। ठीक है, इसी तरह से फिर ये इन दोनों को मर्ज करेगा 6 7 8 9। ठीक है, फिर इसको ये करेगा 2 3 4 5। ठीक है, फिर इसको ये मर्ज करेगा 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरह से काम करेगा ये। पहले उसने डिवाइड किया, ठीक है, फिर मर्ज किया। ये डिवाइड एंड कंकर टेक्निक है, और ये मर्ज सॉर्ट की ही है। जैसे अभी कई बार ये भी रहता है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी है। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन है। ठीक, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ये बता दूंगा मैं कैसे ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन आएगी। ठीक है, तो अब इसका मैं एग्जाम्पल सॉल्व करने वाला हूँ कैसे करते हैं। कि मर्ज सॉर्ट एक्चुअल में काम कैसे करती है। ठीक है, तो एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि मर्ज सॉर्ट का है। मर्ज सॉर्ट में हम अब एज ए एरे पास करेंगे अपना, ना कोई भी एरे पास करेंगे ये इंट का। ठीक है, और ये फिर इसको सॉर्टेड सॉरी एरे भेज एरे ही रिटर्न करेगा, पर वो सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैं एग्जांपल किसके थ्रू एग्जांपल कर रहा हूँ वो स्विफ्ट है लैंग्वेज। ठीक है, सेम ही काम आप सी में भी कर सकते हो, बस थोड़े से सिंटेक्स थोड़े से अलग है। ठीक है, मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ एलिमेंट, मतलब अभी तो कुछ नहीं किया, बस सिर्फ रिटर्न किया है। अब ये तो है मर्ज सॉर्ट जो डिवाइड करेगी। ठीक है, ऐसे ही मुझे एक और फंक्शन चाहिए जो कि मर्ज करेगा एलिमेंट को। ठीक है, मर्ज। अब दो मैंने बताया था, एक लेफ्ट में एरे होती है, एक राइट में एरे होती है, तो एक लेफ्ट के लिए हम एरे बनाएंगे। ठीक है, और एक राइट के लिए हम एक एरे बनाएंगे, जो अगेन वो भी एक रिटर्न ही करेगा, क्या इंट ही रिटर्न करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी रिटर्न करेगा। अब मान लो कि ना, अब मैं पहले इसमें कर देता हूँ मर्ज सॉर्ट में। ठीक है, तो पहले बताया था कि मर्ज क्या करता है, सॉर्ट क्या करता है, उन दोनों को डिवाइड करेगा। डिवाइड क्या करेगा, दोनों को डिवाइड मतलब ब्रेक करता जाएगा, कहाँ कहाँ, हाफ ऑफ पार्ट में। ठीक है, तो मान लो कि मैं करता हूँ लेफ्ट एरे। लेट का मतलब कुछ नहीं है, बस एक वो वेरिएबल बना दिया है इंटीजर टाइप का। ठीक है, लेफ्ट एरे में जो जाएगा वो एलिमेंट्स कहाँ से जाएंगे, वो एरे के एलिमेंट्स मतलब 10 हैं तो 0 से 4th इंडेक्स तक जाएंगे, मतलब 0 1 2 3 4 यानी 5 एलिमेंट्स जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, एरे में ही जाएगा एरे
इसका बस शॉर्ट सिंटैक्स है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, वो जीरो से लेके जाएगा कहाँ तक, एरे डॉट काउंट, ठीक है, डिवाइड बाय टू, यहाँ तक जाएगा। अब जो लेफ्ट एरे में जो एलिमेंट होंगे, मान लो कि मेरे पास कैन नॉट कॉल ए वैल्यू नॉन फंक्शन टॉप, सॉरी इंडेक्स निकालना है ना मैं, तो इंडेक्स के लिए तो ये सब्सक्रिप्ट वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एरे में हमने निकाल ली कोई भी अगर एलिमेंट है, मान लो मैं अपनी तरफ से एक एरे में एरे ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो ये 4 और 8 एलिमेंट्स हैं, तो लेफ्ट एरे में जो जाएगा 1 2 3 4, सॉरी 1 2 4 5, 3 एलिमेंट्स चले जाएंगे, ठीक है। 0 टू लेस देन काउंट 8 डिवाइड बाई 4, यानी कि 4 से लेस देन 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 बिकम से 1 2 4 5, ये 4 एलिमेंट्स चले जाएंगे, ठीक है। ऐसी राइट एरे में जो जाएंगे, ठीक है, सेम वही काम करना है हमें, एरे का ही है। अब जो इसमें जो जाएंगे वो एलिमेंट, वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, एरे डॉट काउंट डिवाइड बाई टू से लेके उसके काउंट तक जाएंगे, ठीक है, एरे डॉट काउंट। अब डिवाइड बाई टू का मतलब क्या, 4 से लेके 0 1 2 3 4, 4 यानी कि 6 एलिमेंट से, 6 7 8 9, 6 7 8 8, मतलब लेस देन काउंट, तो यहाँ तक दूसरे एरे में ये हो गया 6 7 8 8, और फर्स्ट एरे में ये हो गया 1 2 4 5, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास, अब हमने क्या किया, हमें मर्ज करना है, ठीक। अब मर्ज मैंने बोला था कि सारे एलिमेंट्स एज अ वन एलिमेंट हो जाएंगे लास्ट में, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे होंगे अभी। अब मर्ज, ठीक है, मर्ज कर लेते हैं पहले। अब रिटर्न, तो कोई भी जो हम रिटर्न करेंगे उसको बना लेते हैं लेट वेर। अब लेट और वेर में बस ये डिफरेंस है कि लेट की वैल्यू इनिशियलाइज होगी तो चेंज नहीं कर सकते, वेर की चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेर बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। वेर मर्ज्ड एरे, मर्ज डायरे, अब मैं यहाँ से जो रिटर्न करूँगा वो मर्ज डायरे रिटर्न करने वाला हूँ, ठीक है, मर्ज डायरे रिटर्न करने वाला हूँ। अब इसमें बता देते हैं कि किस टाइप का है, हमारा इंट टाइप का है ना, तो हमने बस बता दिया कि इंट टाइप का एरे। दो तरीके हैं, वाइल लूप लगा सकते हैं, फोर लूप लगा सकते हैं, मैं वाइल लगा रहा हूँ, ठीक है। वाइल जब तक दोनों, मतलब लेफ्ट और एरे, लेफ्ट और राइट एरे में अगर एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो दोनों में कंपैरिजन होगा, लेफ्ट डॉट काउंट ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड राइट डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर दोनों में से ही कुछ भी एग्जिस्ट करता है तो वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि मर्ज एरे में एलिमेंट जाएगा कौन सा, ठीक है। मर्ज एलिमेंट, जैसे मान लो कि वन, और ये 1 2 4 1 2 4 5 ना लेके खाली 1 एंड 2 ले लो, लेफ्ट जो है 1 है और राइट जो 2 है। तो अब मैं चेक करूंगा कि इफ़, ठीक है, लेफ्ट डॉट फर्स्ट, और ये फर्स्ट है ना ऑप्शनल वैल्यू रिटर्न करता है, ऑप्शन का मतलब क्या है, इसके अंदर निल भी हो सकती है, तो निल को मतलब फोर्स अंडर करने के लिए बस चेक कर सकते हैं कि निल है कि नहीं है। अगर लेफ्ट डॉट फर्स्ट अगर ग्रेटर देन राइट डॉट फर्स्ट है, ठीक है, राइट डॉट फर्स्ट अगर उसका मतलब लेफ्ट का पहला राइट से बड़ा है, ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट जाएगा, कौन सा एलिमेंट मर्ज एरे में अपेंड होगा, मर्ज एरे डॉट अपेंड, कौन सा एलिमेंट होगा, वो होगा इसमें से छोटा कौन सा है, छोटा राइट का है ना, तो राइट का फर्स्ट एलिमेंट आएगा, राइट डॉट रिमूव फर्स्ट, रिमूव फर्स्ट उस फर्स्ट वाले एलिमेंट को उस एरे में से, जैसे मान लो कि 1 एंड 2 है, तो इसमें से राइट में निकाल रहे हैं, तो मान लो कि 1 हो गई यहाँ पर और एक 2 हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये दोनों कंपेरिजन हुआ 1 और 2 में, तो इसमें से कैसे चेक करेगा, ये 2 बड़ा है ना, तो 2 बड़ा है 1 लेस देन, इसको यहाँ कर लेते हैं तो ज़्यादा सही आ जाएगा। तो 2 इसमें से बड़ा है और 1 छोटा है, तो राइट में से एलिमेंट को 1 निकालेगा, ठीक है, और उसको अपेड मतलब इसको हटा देगा यहाँ से, ठीक है। तो राइट में एम्प्टी हो गया और इसमें ये हो गया। अब यहाँ से रिमूव फर्स्ट किया, ठीक है, मर्ज एरे कैन नॉट इमेजिन राइट से लेफ्ट, सॉरी देखो जो ये वेरिएबल्स होते हैं लेफ्ट और राइट, ये म्यूटेटिंग मतलब इन्हें चेंज नहीं कर सकते, इसलिए तो हमें मतलब इसमें मैं रिमूव फर्स्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कि इसमें कुछ चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने कुछ एक एक इन्हीं को बस कॉपी बना लिया मैंने, वेर राइट इज इक्वल्स टू राइट, ठीक है, बस उन्हीं की कॉपी बना ली है और कुछ नहीं किया यहाँ पे।
अगर मान लो कि लेफ्ट वाला ना छोटा हो गया, लेफ्ट वाला छोटा है, तो बस उसमें क्या करना है, मर्ज एरे में डॉट अपेंड करना है, कौन सा लेफ्ट डॉट रिमूव फर्स्ट। अब दोनों में से अब एरे टाइम ऐसा होगा कि अब इसमें से ये एम्प्टी हो गई, ये हो गया, तो अब मर्ज एरे में कौन सा आएगा, वन आ गया। ठीक है, एट ए टाइम मतलब इनमें से कोई ना कोई एक सिंगल जो एम्प्टी बन जाएगा, तो ये वन हो गया। मर्ज एरे प्लस में लेफ्ट एरे करेंगे, ठीक है, प्लस में राइट करेंगे, दोनों में से कौन सा भी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट में से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस ये चेक करना है कि एलिमेंट अब वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो आप पे डिपेंड है। इफ़ ठीक है, इफ़ लेट यूज़ कर लो या मैं कर देता हूँ, इफ़ एरे डॉट काउंट ठीक है अगर ग्रेटर देन वन है, ठीक है, तो ये रिटर्न करें, ठीक है, एल्स रिटर्न एरे। ठीक है, अगर वन है मतलब ग्रेटर देन वन है तो इसके अंदर आए, या नहीं तो रिटर्न ना करें कुछ भी। ठीक है, ठीक है, इस फॉर्मेट किया है कोट। अब यहाँ पे ये मर्ज सॉर्ट की हो गई और यहाँ पे हो गई, लेकिन अभी लेफ्ट एरे और राइट एरे का काम पड़ा नहीं है ना, तो अब हमें क्या करना है, मर्ज करना है। लेफ्ट में हमारी लेफ्ट एरे नहीं जाएगी, ठीक है, मैं बता देता हूँ, लेफ्ट एरे नहीं जाएगी, मैंने बोला था कि वो डिवाइड होके जाएगी। ठीक है, मर्ज शॉर्ट, या तो कि एक एलिमेंट नहीं रह जाएगा जब तक कुछ नहीं जाएगी, लेफ्ट एरे, और राइट में फिर से वही मर्ज शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट एरे में राइट एरे। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स को मैंने पहले ब्रेक किया हाफ हाफ पार्ट में, फिर उसको मर्ज की टेक्निक लगाई, बस चेक किया कि लेफ्ट और राइट में से कौन सा बड़ा है, उसे अपेंड कर देंगे। ठीक है, लोगों को ये भी समझ आ गया होगा कि मर्ज कैसे काम कर रहा है, बस ये कंपैरिजन कर रहा है कि लेफ्ट और राइट में से जो छोटा है उसको अपेंड कर दे, प्लस में से उसमें से रिमूव कर दे। ये भी समझ आ गया होगा कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, पर ये जो लाइन है ना टेंथ वाली लाइन, ये समझ नहीं आ रही होगी, वैसे है तो सिंपल पर ये समझ नहीं आ रही होगी, मैं बताऊँगा ऐसे कॉपी पर जो एग्जाम्पल लिखा था उसी के थ्रू बताऊँगा कि इस लाइन का मतलब क्या है टेंथ का। ठीक है, नंबर्स ले लेते हैं, लेट लेट नंबर्स अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, वही सबसे आसान तरीका 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 ठीक है, लेने के लिए 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि ये जैसे अभी तो इवन नंबर ले लिया, मतलब 1 से लेकर 10 तक 10 नंबर है, और ही बताऊंगा लेके। ठीक है, तो एक बार प्रिंट नंबर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार ये यहाँ तक देख लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, नंबर प्रिंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, नंबर प्रिंट हो गए। ठीक है, अब मुझे बस कुछ भी एक लाइन, बस स्पेस देने के लिए कि दोनों में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, प्रिंट करेंगे, मर्ज शॉर्ट टेक्निक यूज़ करेंगे मर्ज शॉर्ट में, और एरे में जो हम करेंगे रिटर्न क्या करेंगे, नंबर्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब ये जो करेगा मे बी, अब ये 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 9 इसने एलिमेंट्स रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे एलिमेंट आया, डिवाइड किया इसने दो एलिमेंट्स दो एरे में, फिर उसके बाद मर्ज किया, मर्ज का टेक्निक ये है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि ये सेम ही काम, मतलब जो इस लाइन का मतलब है 10वीं लाइन का, 10th लाइन का, वो बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या मतलब है उसका। ठीक है, ठीक है, तो अब ये जो एग्ज़ाम्पल है ना, प्रीवियस एग्जाम्पल ही, बस थोड़ा सा क्लीन करके लिख दिया यहाँ पे ये। ठीक है, तो हमने मर्ज सॉर्ट फंक्शन बनाया, तो मर्ज सॉर्ट फंक्शन में हमने ये नंबर पास किया है। ठीक है, मर्ज सॉर्ट में, फिर उसके बाद मर्ज सॉर्ट में ये जो दो स्टेप्स है, फर्स्ट दो लाइन थी कि दोनों को डिवाइड किया हाफ पार्ट में। ठीक है, डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद मर्ज किया है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद मर्ज किया, मर्ज का फंक्शन लिखा था, मर्ज का फंक्शन लिखा था, पर इसके अंदर लिखा था हमने मर्ज शॉर्ट लेफ्ट एंड मर्ज शॉर्ट राइट, यही लिखा था, यही पास किया था। सेम काम यहाँ पर आएगा, सेम फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे भी यही करेंगे, मर्ज करेगा ये दोनों को। ठीक है, मर्ज शॉर्ट लेफ्ट एंड मर्ज शॉर्ट राइट। ठीक है, सेम काम वहाँ पे भी चलेगा, राइट में भी मर्ज करेगा, मर्ज शॉर्ट का फंक्शन इसके एग्जीक्यूट किया, मर्ज हमारा कॉल हो रहा है किस पे, मर्ज शॉर्ट फर्स्ट वाले का हाफ, सेकंड वाले का हाफ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मर्ज सॉर्ट के अगेन वही सेम फंक्शन एग्जीक्यूट यहाँ पे हुआ था, ऐसे यहाँ पे होगा, मर्ज कॉल करना है इन दोनों का हाफ, इन दोनों का हाफ, ऐसे ही। अब इन दोनों पे भी कॉल होगा मर्ज, अब मर्ज कॉल पे मर्ज सॉर्ट, यहाँ पे भी मर्ज सॉर्ट, दोनों फंक्शन कॉल हुए।
अब यहाँ पे हमारा जो चेक लगा हुआ था वो ये था ना कि अगर एक एलिमेंट है तो सेम रिटर्न हो जाए ना, 9 और 8, तो यहाँ से 9 ही रिटर्न होगा और यहाँ से 8 रिटर्न होगा, ठीक है। ये दो एलिमेंट आ गए हमारे पास, ठीक है। अब दो एलिमेंट आ गए तो अब फिर क्या किया था हमने कि अब दोनों को मर्ज करना था ना, मर्ज करना था। मर्ज की क्या टेक्निक थी? मर्ज की टेक्निक थी जो भी लेफ्ट मतलब छोटा होगा वो राइट में आ जाएगा ना। अब 8 और 9 में से कौन सा छोटा था? 8 था, और यहाँ से ड्रॉप हो गया था और यहाँ पे 9 ही अपेंड हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनेगा 8 और 9 बनेगा सिंपल, यहाँ से जो बना ब्रेक करके वो 8 एंड 9 दो फंक्शन बन गए। सेम इसी में भी करोगे तो 6 एंड 5 बन जाएगा, सॉरी हाँ 6 और 7 बनेगा। सिंपल यहाँ पे भी करोगे तो 4 एंड 5 बनेगा, यहाँ से करोगे तो 2 एंड 3 बन जाएगा, ठीक है। अब 2 एंड 3 यहाँ पे जो फंक्शन लगा हुआ था मर्ज था ना, यहाँ पे मर्ज हो गया, यहाँ पे मर्ज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से अगेन वही काम करना है, मर्ज वाला काम। ये मर्ज सॉर्ट इन पे लग चुकी है, ठीक है। इन दोनों पे मर्ज का काम हो चुका है, अब ये इन दोनों पे मर्ज करना है, ठीक है। अब फिर से वो 8 और 9 में चेक करेगा कि कौन सा छोटा है, फर्स्ट वाला 6 छोटा है तो यहाँ से 6 हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से चेक करेगा कौन सा छोटा है, 7 छोटा है, 7 छोटा है, यहाँ से भी ड्रॉप हो जाएगा। अब इसने चेक किया था ना कौन काउंट था कि दोनों का ग्रेटर देन 0 हो, तो इसका तो ग्रेटर देन 0 नहीं, तो क्या हुआ? मर्ज एरे में लेफ्ट जो भी हमारा ये जो अपेंडेड था, मर्ज एरे में लेफ्ट अपेंड कर दिया हमने 8 और 9, और राइट तो एम्प्टी है ही, तो उसे एम्प्टी करेंगे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो जो एरे बनेगी वो 6 7 8 9 बनेगी। इसी तरह से यहाँ पे जो एलिमेंट बनेगी वो 2 3 4 5 बन जाएगी। इसी तरह से फिर इन पे सॉर्ट करेंगे व्हाइल टेक्निक के थ्रू, वो 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये एरे बन जाएगा, ठीक है। बस यही था मर्ज सॉर्ट। इसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट में क्विक सॉर्ट इससे डिफरेंट कैसे है और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एट्सेट्रा। ओके, थैंक यू।